अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 20 अप्रैल की देखते हैं स्पीड न्यूज़। हरमैन शरीफ़ैन इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम में आने वाले बच्चों के लिए शुरू किया रहनुमा प्रोग्राम। मोतमरीन के हमरा मौजूद गैर अरब बच्चों को गुम होने से रोकने उठाए कदम। मस्जिद अल-अक्सा में इसराइली दुरंदेजी और फलस्तीनियों पर जुल्म के खिलाफ इसराइल के नए दोस्त यूएई का एहतजाज। इसराइली सफीर को तलब कर दर्ज कराया एहतजाज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग से अल-अक्सा मामले पर की फ़ोन पर बात। हालिया सूरत हाल पर ज़ाहिर की तशवीश। मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने मस्जिद अल-अक्सा में फलस्तीनी नमाजियों के खिलाफ जारी इसराइली वहशियाना कार्रवाई को रोकने की अक़वामे मुत्तहिदा व इस्लामी ममालिक से क्या मुतालबा। तुर्क खातून अव्वल अमीने एर्दोगान ने अंकारा की सदारती महल में यूक्रेन समेत तुर्क में रिहाइश बजीर महाजिर बच्चों के साथ की इफ्तारी। मिलकर बहन भाइयों की तरह रहने की दी नसीहत। इसराइल पर दागा गया मिसाइल हवा में ही कर दिया गया तबाह। मिसाइल के जवाब में की गई वहशियाना बमबारी। गाजा में हमास के हथियारों के सेंटर को बनाया गया निशाना। लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी पार्टी में शिरकत का मामला, पहली बार ब्रिटिश लॉ मेंबर्स का किया सामना। पीएम बोरिस जॉनसन ने दिल की गहराइयों से मुआफ़ी मांगने का किया ऑफर। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजीद मजबूत करने का है इरादा। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल फराहम करने के तरीकों पर कर रहे हैं गौर। अमेरिकी मीडिया ने हैरत अंगेज तौर पर रूस पर लगे इल्ज़ाम पर दी सफाई। कहा फोसारोफ का देहात में इस्तेमाल किए गए क्लस्टर बम रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने बरसाए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल पर कहा फिलहाल उन्हें मालूम नहीं कि वो यूक्रेन जंग के दौरान कीव जाएंगे या नहीं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के एक तालीमी इदारे में धमाकों के नतीजे हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 6। मासूम बच्चे बने निशाना। 11 दीगर जख्मियों का इलाज जारी। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल अजीज ने यमन की नई सदारती कौंसिल और उसके साथ ताउन करने वाले तमाम इदारों की हिमायत करने का किया ऐलान। तशद्दुद ज़दा जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद की गई बुलडोज़र की कार्रवाई। दर्जनों गरीबों के उजाड़ दिए गए घर और दुकानें। अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी पर क्या होगी कार्रवाई। जहांगीरपुरी में गैर कानूनी कब्जों को हटाने की कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा गरीबों के खिलाफ बीजेपी ने छेड़ दी है जंग। जहांगीरपुरी हंगामा, बुलडोजर की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान ने कहा अमित शाह और बीजेपी दिल्ली का अमन करना चाहती है खराब। मसाजिद में बरसों से लगे हैं लाउडस्पीकर, हर मजहब के अफराद को दूसरे का करना चाहिए एहतराम। मरकजी वजीर रामदास आठवाले ने राज ठाकरे को दिया जवाब। मस्जिद पर लाउडस्पीकर तनाजे के बाद सोशल मीडिया पर गंभीर फिरकावाराना पोस्ट किए गए, जिसे हटाने के लिए महाराष्ट्र साइबर सेल ने शुरू कर दी कार्रवाई। महबूबा मुफ्ती की कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात ने वादी में नए सियासी जोड़ तोड़ की कयासारियों को दिया जन्म। आने वाले दिनों में साथ आ सकती है ये दोनों पार्टियां। दिल्ली समेत दीगर रियासतों में फिर बढ़ने लगा कोरोना का असर। दिल्ली में अवामी मुकामात पर मास्क को लाजमी दिया गया करार। खिलाफ वर्जी पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना के लिए मदद में मरकज की इम्तियाजी। किशन रेड्डी और पीएम मोदी पर मिनिस्टर केटीआर का तंज। कहा सरकर्दा मरकजी इदारों के क्याम में तेलंगाना से इम्तियाज। सेक्रेटरीट की नई आलिशान इमारत की तामीर में ना की जाए कोताही। सीएम केसीआर का सेक्रेटरीट की तामीरी कामों का शख्सी दौरा। डिजाइन में बास तब्दीलियों की सिफारिश। तेलंगाना में खुदकशी और हरासानी के वाकयात के लिए टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय अपनी प्रजा संग्रामा यात्रा के दौरान केसीआर पर लगा इल्जाम। ज़रई शोबे को मुस्तहकम करने सीएम केसीआर के इकदाम। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा दीगर रियासतों की तरह तेलंगाना में बिजली के मसाइल नहीं है।
तेलंगाना के आदिलाबाद में टेम्परेचर 43 डिग्री दर्ज। महकमे मौसमियात ने कहा आइंदा चार दिनों के दौरान तेलंगाना के बाद अजला में तूफानी हवाओं भी चलने का इम्कान। फिल्म KGF 2 ने पहले वीकेंड में आमिर खान की दंगल व सलमान खान की सुल्तान के तोड़ दिए रिकॉर्ड्स। चार दिनों में की 550 करोड़ रुपए से जायद की कमाई। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शहर हैदराबाद की जायके की दुनिया में पेश खिदमत है अरबेला रेस्टोरेंट, जहाँ पर अरबिक, लेबनीज, इंडियन कुजीन, चिकन मंदी, मटन मंदी, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटर्स, बारबेक्यू, कब्सा, लहम, सी फूड, वेज एंड नॉन वेज, ग्रिल और तंदूर, शीश ताउक, इंडियन सीख कबाब, शेक्स एंड मॉकटेल्स जैसे ब्लू लगून, सैलड्स और डेजर्ट्स, बेहतरीन डिलीशियस खाने लज्जत और मयार के साथ, तजुर्बेकार शेफ, साफ सुथरा माहौल। एक बार आजमाएंगे तो बार बार तशरीफ लाएंगे। अरबेला हाउस ऑफ अरबिक एंड लेबनीज क्यूजीन, एसी गार्ड रोड, लकड़ी का पुल, हैदराबाद। वेडिंग कैटरिंग एंड होम डिलीवरी अवेलेबल।